आइए अब आपको बताते हैं बीटरूट एंड डिल सलाद, यानी कि बीटरूट और दिल का सलाद। आइए सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये है उबाल करके काटा हुआ बीटरूट, उसके बाद में ये स्प्राउटेड मेथी सीड्स, लेमन जूस, प्लेन सॉल्ट, ये बारीक पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर, थोड़े से धनिया बारीक कटा हुआ, और ये शेपू यानी कि दिल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बीटरूट है, इसके क्यूब्स हैं बीटरूट के, इसको हम एक बोल में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें मेथी के सीड्स भी मिला देंगे। मेथी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप सभी जानते हैं। और मेथी के बाद में इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, क्योंकि लेमन जूस डालने से इसमें जो तेज़ी आएगी। सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, और ये इसमें काली मिर्च जो हमने पीस के रखा हुआ है, काली मिर्च भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि सब चीज़ें एकदम अच्छी तरह से मिल जाएं। और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए हमारा बीटरूट एंड दिल सलाद तैयार हो गया है। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। लो कोलेस्ट्रॉल रेसिपीज़ में इस बीटरूट एंड दिल सलाद का जवाब नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और ये हमारा शेपू थोड़ा सा यानी कि दिल, ये भी इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये तैयार हो गया हमारा लो कोलेस्ट्रॉल बीटरूट एंड दिल सलाद। है ना खूबसूरत? बीटरूट एंड दिल सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज्ड बीटरूट्स, 1/3 कप स्प्राउटेड मेथी सीड्स, 1 टीस्पूनफुल लेमन जूस, 1/4 कप चॉप्ड दिल यानी कि शेपू, 1/4 कप चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया, सॉल्ट एंड फ्रेशली ग्राउंड पेपर टू टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीटरूट को बॉईल कर लेंगे, उसको छील लेंगे और उसके क्यूब्स बना लेंगे। बीटरूट को स्प्राउटेड मेथी के साथ मिलाएंगे, और उसके बाद में उसमें लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर डाल के आराम से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको रेफ्रिजरेट करेंगे, और सर्व करने से पहले इसमें दिल और धनिया यानी कि शेपू और धनिया बारीक जो कटी हुई थी उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे उसमें, और सर्व करेंगे।